Today we are going to start fourth chapter of mathematics, that is quadratic equations. तो quadratic equations क्या होते हैं? Quadratic equation हम maths में किस तरह से use करेंगे और इनका solutions हम किस तरह से find करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हम इस chapter में study करेंगे. तो start करते हैं. Basically हमने जब polynomial का chapter study किया है तब हमने पढ़ा है कि polynomial क्या होते हैं. Polynomial में हमने उसे बहुत सारे तरीके से डिफ्रेंशिएट किए. जैसे हमने पॉलिनोमियल का देखा था कि हम उसे डिग्री के बेसिस पर अलग अलग टाइप में डिफाइन कर सकते हैं. अगर हम उनके उनमें नंबर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट के बेसिस पर देखें तो उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उनके बेसिस पर हम उसे डिफाइन कर सकते हैं. इस तरह से पॉलिनोमियल को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. हम जब पॉलिनोमियल को उनकी डिग्री के बेसिस पर, डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. जब डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल का टाइप्स हमने जब स्टडी किया था तब हमने देखा था कि जब पावर, जब किसी भी हमें कोई भी एक इक्वेशन का फॉर्म दिया हुआ है और उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर जब 2 होता है तब हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये हमने पॉलिनोमियल के चैप्टर में स्टडी किया है. तो अगर हम एक यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर एक्स का पावर 2 है और ये इसका मतलब है कि इसकी डिग्री 2 हो गई. तो जब डिग्री 2 होती है मतलब उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे. अगर हम इसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ फिर भी हाईएस्ट पावर 2 है. तो ये सभी क्या हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जब अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे तब हमें एक इक्वेशन का फॉर्म मिलेगा और उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. व्हेन वी इक्वेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू 0 देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जब हम इसी पॉलिनोमियल को हम जब इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इससे जब हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह गया, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि जब जैसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, तो ये तो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें किस तरह से मिलता है. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने के लिए शर्त है कि इसकी हाईएस्ट पावर हमेशा 2 होगी. अगर हम लिख दें एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 3 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो शर्त याद रखिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक तो इसे 0 से इक्वेट करना ज़रूरी है एंड सेकेंड इज इट इज़ नेसेसरी दैट इट्स डिग्री इज 2, मतलब हाईएस्ट पावर उसका 2 होना चाहिए. तो ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की शर्त. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? तो अगर हम कोई ऐसा शेप देखें, जैसे सपोज मान लीजिए एक रेक्टेंगल हम देखें, सपोज कोई प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगुलर शेप के प्लेग्राउंड का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो उसके एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है एरिया इज़ लेंथ इनटू विड्थ. तो एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ और विड्थ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज अगर वो एक वेरिएबल के फॉर्म पर है, सपोज मान लीजिए इसका जो लेंथ है लेंथ इज एक्स प्लस 5 एंड विड्थ इज एक्स माइनस 1. मान लीजिए हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस कंडीशन पर जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो ये एक हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. ठीक है,
तो इस तरह से हम कई फील्ड में इसे यूज़ भी करते हैं। अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री के बारे में जानें तो ऐसा माना जाता है कि बेबीलोनिया में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी करते थे, और हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है यूक्लिड ज्योमेट्री में कि सर यूक्लिड ने सबसे पहले पॉइंट, लाइन, इन सभी की डेफिनेशन दी। उन्होंने सरफेस के बारे में बताया, सॉलिड के बारे में बताया। तो ये सारे जो फिनोमिना है, लाइन, पॉइंट, शेप, जो अलग अलग हम शेप पढ़ते हैं और हर शेप का एक पर्टिकुलर हमने नाम दिया है, जैसे इसे हम कहेंगे सर्कल, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया स्क्वायर, तो ये जो सभी शेप हैं वो सर यूक्लिड ने हमें डिफाइन करके दिए थे, तो उन सभी के लिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे। फिर जो इंडियन मैथमेटिशियन थे ब्रह्मागुप्त, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला डिराइव किया, जिस फार्मूला का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ब्रह्मागुप्त। इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, अब हमने स्टडी किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते कैसे हैं, ये हमें मिलते कैसे हैं और उसके कुछ हिस्ट्री। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और अगर हमें बहुत सारे इक्वेशंस गिवन हो तो हम उनमें से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें ये भी स्टडी करना है कि अगर हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो तो उस वर्ड प्रॉब्लम से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, वेयर पी ऑफ एक्स इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पॉलीनोमियल होगा वो डिग्री टू का होगा, और पॉलीनोमियल को हमें जीरो से इक्वेट करना है। मैंने आपको बताया था, ये टू पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन पॉलीनोमियल इज इक्वेटेड टू जीरो, एंड सेकेंड पॉइंट इज वी चेक दैट द हाइएस्ट पावर ऑफ दैट इक्वेशन इज टू और नॉट, हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो जब इस तरह का कोई भी इक्वेशन हमें मिलेगा तब ये पॉलीनोमियल कहलाएगा। अब पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हमें पता है कि पॉलीनोमियल में हाईएस्ट पावर जीरो, हाईएस्ट पावर टू होता है। इसलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर वेरिएबल अगर हम x लेते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसके आगे हम यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है कि ये पावर टू का होना चाहिए। ओके, अब मान लीजिए इसका कॉफिशियंट है a, ओके, प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, और ये जीरो से इक्वेटेड होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके लिए कंडीशन अप्लाइडेड है a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a की वैल्यू जीरो के इक्वल हो गई, देन सी हियर a इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड व्हेन इफ व्हेन a बिकम्स जीरो देन दिस होल टर्म्स बिकम जीरो, और अगर ये जीरो हो गया मतलब बच क्या जाएगा, बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर x की पावर है 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर रह जाएगी 1, और हमें पता है कि पॉलीनोमियल होने के लिए कंडीशन है कि उसका पावर 2 होना चाहिए, तो इसलिए अगर a जीरो हो गया तो ये पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की शर्त है a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, b हो सकता है जीरो, c भी हो सकता है, पर a के लिए ही शर्त है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज यहाँ पर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अगर हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो,
अगर हमें गिवन है x माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कौन सा जो हमें इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जीरो से इक्वेटेड है कि नहीं, तो ये जीरो से इक्वेटेड है। देन सेकेंड हमें चेक करना है कि इसकी डिग्री टू है कि नहीं, तो सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाइडेड है कि यहाँ पर डिग्री टू है। देन थर्ड हमें चेक करना है कि क्या एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जीरो तो नहीं है, तो यहाँ पर इसका कॉफिशियंट भी जीरो नहीं है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर भी हाईएस्ट जो पावर है वो टू है, ये जीरो से इक्वेटेड है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन थर्ड है एक्स माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन, अब यहाँ पर ये टर्म जीरो से इक्वेटेड नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इन सभी टर्म्स को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इनके साइन इन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया नेगेटिव, ये प्लस फाइव एक्स इधर हो गया माइनस फाइव एक्स, और माइनस वन इधर हो गया प्लस वन, और यहाँ पर हमें मिल गया जीरो क्योंकि हमने इन सभी टर्म्स को इस साइड ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए, अब क्या बच गया माइनस एक्स माइनस फाइव एक्स, ये एडअप हो जाएंगे, ये मिल गया माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर इसे देखने से ये ऐसा लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा था, पर जब हमने इसे सॉल्व किया तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री टू होनी चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो जब हमें इस तरह के कोई इक्वेशन गिवन होंगे और हमें उसे चेक करना होगा तो हम उसे पहले सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद बताएंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक और एग्जांपल देखिए फोर्थ। यहाँ पर हमें गिवन है x माइनस टू होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर, अब हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो अगर हम इसको एक बार में देखें तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर हमें थ्री दिख रहा है, पर हमने अभी इसे सॉल्व नहीं किया है, तो मैंने आपको बताया कि पहले हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब का, तो आपको याद होगा a माइनस बी होल क्यूब इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी बाई प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एट माइनस थ्री इंटू फोर दैट इज ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। अब यहाँ पर एक्स क्यूब लेफ्ट साइड भी है, एक्स क्यूब राइट साइड भी है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो देखिए यहाँ से एक्स क्यूब का टर्म ही हट गया, मतलब इसकी डिग्री कम हो गई, क्यूब हट गया मतलब डिग्री थ्री अब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म हमें दिख रहा है, इसे पहले लिख लेते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस एट, और ये जब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस फोर, तो ये हो गया माइनस फोर। अब यहाँ पर इसे हम देखें तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर फिर से मैं बोलूँगी कि एक बार में हम देखकर डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं है। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पर हमें गिवन है चेक
whether the following are quadratic equations or not. हमें बताना है कि ये quadratic equation है कि नहीं. हमने अभी किया, हम आसानी से बता सकते हैं. हमें given है first x minus 1 whole square is equal to 2 into x minus 3. तो हम इसे solve करना पड़ेगा. Okay, solve करते हैं. तो यहाँ पर a minus b whole square का formula apply करेंगे. तो ये हो जाएगा x square minus 2x plus 1. Because we know that a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. तो वही form हमने यहाँ पर apply किया है. और 2 को multiply करेंगे तो ये हो गया 2x minus 2 into 3 is 6. इन दोनों term को transfer करते हैं. तो यहाँ से हो जाएगा x square minus 2x plus 1 as it is. 2x को इधर transfer करेंगे, ये हो गया minus 2x. And minus 6, ये हो जाएगा plus 6 is equal to 0. Minus 2x minus 2x, ये बन गया minus 4x. And 6 plus 1 is 7. तो यहाँ से ये हमें मिल गया x square minus 4x plus 7 is equal to 0. तो इस तरह से ये एक quadratic equation है. क्योंकि यहाँ पर degree इसकी 2 है और ये 0 से equated भी है. तो ये एक quadratic equation है. This is a quadratic equation. Second हमें given है x square minus 2x is equal to, second देखते हैं. Second हमें given है x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x. इसे भी solve करते हैं. तो यहाँ पर ये as it is रहेगा x square minus 2x. Minus 2 को multiply करेंगे तो minus 2 into 3 is minus 6 and minus 2 into minus x is plus 2x. Okay, इन दोनों term को transfer करेंगे तो ये बन जाएगा x square minus 2x plus 6 minus 2x is equal to 0. तो ये हो जाएगा x square minus 4x plus 6 is equal to 0. तो again ये एक quadratic equation यहाँ पर बन गया. Second condition is also a quadratic equation. ठीक है, इसके बाद third देखते हैं. Third हमें given है x minus 2 in first bracket and x plus 1 in second bracket is equal to x minus 1 into x plus 3. Solve करेंगे तो सबसे पहले bracket open करते हैं, इन्हें multiply करते हैं. तो ये हो जाएगा x square, then x into 1 is x, minus 2 into x is minus 2x, then minus 2 is equal to x into x is x square plus 3x minus x minus 3. ये मिल गया. यहाँ पर से both side का x square का term है, तो ये दोनों term cancel हो गए. अब जब ये term cancel हो गए तो हम यहाँ से इसे देखकर ही बता सकते हैं कि ये quadratic equation नहीं है, क्योंकि x square का term तो यहाँ से cancel हो गया. तो इसकी degree up to नहीं है, मतलब ये जो third condition है ये quadratic equation नहीं है. This is not a quadratic equation. Okay, now fourth देखते हैं. Fourth हमें given है x minus 3, 2x plus 1 is equal to x into x minus x into x plus 5. Solve करते हैं तो यहाँ से फिर से multiply करेंगे तो x into 2x is 2x square, x into 1 is x, minus 3 into 2x is minus 6x, minus 3 into 1 is minus 3. Okay, यहाँ पर multiply करेंगे, ये हो गया x square plus 5x. अब यहाँ पर ये 2x square है और ये x square है, तो ये दोनों cancel नहीं हो सकते. यहाँ पर दोनों same term थे इसलिए cancel हो गए थे. तो इन्हें हम इस side transfer करते हैं left side. तो ये हो जाएगा 2x square plus x minus 6x is minus 5x minus 3 minus x square minus 5x is equal to 0. तो यहाँ से 2x square minus x square subtract करेंगे, ये हो जाएगा x square
-5x ऐड हो जाएंगे, ये हो गया -10x, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का टर्म है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसके बाद फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन पर हमें गिवन है -1 × x - 3 एंड x + 5 x - 1। इन्हें सॉल्व करते हैं। अगेन हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 2x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x² - 6x - x + 3 इज इक्वल टू x² - 6x + 5x - 5। ओके, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² - 6x - x - 7x + 3, और यहाँ से ये हो जाएगा x² - x + 5x + 4x, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इन टर्म्स को इस साइड ट्रांसफ़र करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2x² - x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² एंड -7x - 4x - 11x + 3 + 5 = +8। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर का टर्म हमें मिल रहा है और ये जीरो से इक्वेटेड है। तो ये फिफ्थ कंडीशन भी यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिल रही है। ठीक है, इसके बाद हम सिक्स्थ कंडीशन देखते हैं। सिक्स्थ कंडीशन देखिए, सिक्स्थ कंडीशन हमें गिवन है x² + 3x + 1 = x - 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। तो ये एज इट इज़ हम इसे लिखते हैं x² + 3x + 1, और इस साइड इसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 4x + 4। हमने यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्म अप्लाई किया है, तो ये इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पर 2ab है, तो 2 × 2 = 4 × x, तो ये हमें मिल गया। ओके, अब यहाँ पर x² ये टर्म कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3x + 1 + 4x - 4 = 0, दैट इज 7x - 3 = 0। तो यहाँ पर x का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की शर्त है कि डिग्री 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम सेवेंथ कंडीशन देखते हैं। सेवेंथ पर हमें गिवन है x + 2 होल क्यूब = 2x × x² - 1। ओके, सॉल्व करेंगे। अगेन यहाँ पर a + b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हमें जब वो अच्छे से मालूम होगा तभी हम यहाँ पर उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हमें मिल जाएगा x³ + 2³ = 8 + 3 × 2 × x + 2। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, हमें मालूम है a + b होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab (in brackets a + b). तो यही फॉर्म हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, a की प्लेस पर x है, b की प्लेस पर 2 है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x³ - 2x। ओके, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x = 2x³ - 2x। इन दोनों टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x - 2x³ + 2x = 0। यहाँ से x³ - 2x³ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा x³ एंड 6x² एज इट इज़ है, 12x + 2x = 14x + 8 = 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखिए,
3 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी नहीं है। तो 6 और 7 दोनों कंडीशन पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस नहीं मिल रहा है। लास्ट देखते हैं, लास्ट हमें गिवन है 8th केस एंड 8th इज x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल क्यूब। अगेन हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो लेफ्ट साइड को एज इट इज रहने देते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा x³ - 2³ दैट इज 8 माइनस 3 × 2 × x एंड इन ब्रैकेट x - 2। ओके सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6x² + 12x। ओके यहाँ से x³ कैंसिल हो जाएगा और 4x इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। -8 को ट्रांसफ़र करेंगे ये हो जाएगा +8, -6x² को ट्रांसफ़र करेंगे ये हो गया +6² एंड 12x हो जाएगा -12x। अब यहाँ से -4x² + 6x² सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये हमें मिल जाएगा 2x² एंड -x - 12x - 13x, 1 + 8 = 9। तो यहाँ से ये हमें मिल गया इसका सॉल्व करने से एक इक्वेशन का फॉर्म। यहाँ पर x की जो डिग्री है वो 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें हमने इस यहाँ पर अभी 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमें 3rd, 6th और 7th ये जो 3 क्वेश्चन हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस नहीं मिला और बाकी सारे कंडीशन पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन मिली है। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पर कुछ सिचुएशन गिवन है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट केस देखिए, यहाँ पर फर्स्ट हमें गिवन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 m². हमें यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया हमें गिवन है 528 m². द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than 2x its breadth। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि जो लेंथ है, लेंथ जो है वो इसके ब्रेथ से 1 ज़्यादा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than 2x its width, मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ का अगर हम दुगुना करें, ट्वाइस करें और उसमें 1 ऐड करें तो हमें लेंथ मिलता है। तो हमें इसे इक्वेशन के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट ब्रेथ इज एक्स, हमने यहाँ पर ले लिया ब्रेथ इज एक्स, तो उस कंडीशन पर लेंथ हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ हमें मिल जाएगा 2x + 1। ओके और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके तो लेंथ हमें यहाँ से मिल रहा है 2x + 1 और ब्रेथ हमने लिया है x, एरिया हमें गिवन है 528। ओके सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2x² + x, इन टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया -528 = 0। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, 2x² + x - 528 = 0। और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करना था, हमें ये कंडीशन गिवन थी और इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना था, तो हम इस तरह से इसे बनाएंगे। अगर हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी होगी तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देन इनका सॉल्यूशन हमें एक्स की जो भी वैल्यू मिलेगी उससे हम लेंथ और विड्थ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड कंडीशन देखते हैं।
सेकेंड केस हमें यहाँ पर गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स. हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट हमें 306 के इक्वल मिलता है. तो हमें इसके लिए भी बनाना है. हमें यहाँ पर गिवन है प्रोडक्ट इज 306. हमें यहाँ पर गिवन है कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है. इसका मतलब अगर हम टू इंटीजर्स देखें, अगर वन इंटीजर है x तो दूसरा इंटीजर उसके जस्ट बाद का नंबर. तो अगर हम ले लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, देन सेकेंड इंटीजर इज नथिंग बट x प्लस वन, उसके जस्ट बाद का नंबर. ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 5 है तो ये 6 होगा, उसके जस्ट बाद का नंबर हमें लेना है. ठीक है, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट 306 के इक्वल मिलता है. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 306 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया नेगेटिव. इस तरह से हमें ये फॉर्म पर मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर, और यही फॉर्म हमें फाइंड करना था. ठीक है, इसके बाद थर्ड देखते हैं. थर्ड कंडीशन हमें गिवन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. रोहन की मदर की एज रोहन की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है. तो अगर हम यहाँ पर ले लें लेट एज ऑफ रोहन, अगर रोहन की एज हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स ईयर्स है, ओके, तो उसकी मदर की अगर रोहन की एज हम लेते हैं एक्स तो उसके मदर की एज हो जाएगी एक्स प्लस 26. उसके मदर की एज रोहन की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है. ठीक है, हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. आज की डेट पर अगर हम एज देखें तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, मतलब आज की डेट पर उसका एज है एक्स ईयर, तो उनकी मदर का एज हो गया एक्स प्लस 26. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आज से 3 ईयर्स के बाद, तो हम आफ्टर 3 ईयर का कंडीशन लेते हैं. आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स के बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 3. अगर आज उसकी एज 1 ईयर है तो 3 ईयर के बाद वो हो जाएगा 3 प्लस 1. ओके, इसी तरह से उसके मदर की एज क्या हो जाएगी, आज की डेट में उनका एज है x प्लस 26, तो 3 ईयर के बाद ये हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, मतलब x प्लस 29. ठीक है, ये चीज़ समझिएगा, हम 3 ईयर बाद की कंडीशन ले रहे हैं. अगर किसी भी पर्सन की एज अभी 15 ईयर है, सपोज़ मान लीजिए आज की डेट में 15 ईयर है एज, तो अगर हम 3 ईयर्स के बाद देखें तो उसमें 3 ईयर्स और ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए 15 प्लस 3 हो जाएगा. तो वही केस हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उनके प्रेजेंट एज से 3 ईयर्स बाद की एज लेकर अगर हम उन्हें प्रोडक्ट करें, तो अगर हम उनके एजेस को प्रोडक्ट करते हैं x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, तो ये जो प्रोडक्ट है वो हमें 360 के इक्वल मिलता है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. दिस इज द अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ओके, मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 87 इज इक्वल टू 360. ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 इज 32x, और यहाँ से
360 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 87 माइनस 360 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 माइनस 360 माइनस 273। ओके, तो इस तरह से हमें अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मिल गया। और हमें अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करनी है, इसलिए हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम इसे आगे सॉल्व करके इनकी एजेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ केस हमें गिवन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इफ इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें यहाँ पर गिवन है कि जो टोटल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, यहाँ पर हमें डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर, और हमें यहाँ पर गिवन है कि इस डिस्टेंस को कोई ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। तो हम ले लेते हैं इसका स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज x किलोमीटर पर आर। ओके, तो अगर वो x किलोमीटर पर आर यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर जाती है तो इसका हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। वी नो दैट टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हमें डिस्टेंस और स्पीड पता है तो टोटल ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगता है हम ये पता कर सकते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर एंड स्पीड इज x किलोमीटर पर आर, तो हमें टाइम क्या मिल गया, 480 बाई एक्स आर्स। ओके, अब ये हमें एक कंडीशन मिल गई कि वो x किलोमीटर पर आर स्पीड से 480 अपॉन एक्स आर्स में 480 किलोमीटर ट्रैवल करती है। ओके, अब हमें गिवन है कि अगर वो अपने इस यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर पर आर स्लोवर चलती है, मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें उसकी न्यू स्पीड की, तो जो नया स्पीड गिवन है वो है जो उसकी इस स्पीड है, इस यूनिफॉर्म स्पीड से 8 किलोमीटर पर आर लेस है, मतलब उसकी नया स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8, क्योंकि ये रिड्यूस हो गई। ओके, अब अगर वो इस स्पीड से पहुँचती है, इस स्पीड से चलती है, तो हमें यहाँ पर गिवन है कि उसे टाइम जो है वो 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, अगेन टाइम का फंक्शन, अगेन हम टाइम लेते हैं। टाइम इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो अब हम यहाँ पर लेते हैं डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी 480, यहाँ पर भी 480, क्योंकि 480 से ही हम डील कर रहे हैं। तो डिस्टेंस अगेन हमें क्या मिल गया, 480। स्पीड क्या हो गया, स्पीड रिड्यूस होके हो गया x माइनस 8। ओके, और टाइम के बारे में गिवन है कि जब वो 8 किलोमीटर पर आर की स्पीड स्लोवर चलती है तो उस कंडीशन पर जो टाइम टेकन है, ये पहले जो नया टाइम जितना भी लग रहा था उससे उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स, ये ओल्ड टाइम, और इसमें हम 3 आवर्स ऐड कर देते हैं क्योंकि 3 आवर्स उसे ज़्यादा लगते हैं। तो ये एक कंडीशन यहाँ पर बन गया और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 480 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480x। ओके, अगेन मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 480x माइनस 480 इंटू 8 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 480x। तो यहाँ भी 480x है और यहाँ भी 480x है, ये दोनों कैंसिल हो गए और हमें यहाँ पर मिल रहा है 3x स्क्वायर माइनस 24x
और यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 + 6 = 38, तो ये हमें मिल गया 3x² - 24x - 3840 = 0, और ये हमें इस कंडीशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पर अननोन जो x है, वेरिएबल x, उसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगे, और वेरिएबल x की वैल्यू हमें स्पीड बता देगी जिस यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। तो अगर हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें इस क्वेश्चन में केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, तो हम यहाँ पर इसे स्टॉप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, जिसे हम कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम किस तरह से उनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं।